सदर तहसील के लगभग एक दशक पुरानी बिल्डिंग में कई जगह पर दरार आ गई, जिसकी सूचना जब अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। अपर जिलाधिकारी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद बिल्डिंग के विभिन्न कमरों में रखे अभिलेखों को निकलवा करके खाली कराया जा रहा है। आधा सैकड़ा से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के टाउन हॉल स्थित सदर तहसील लगभग एक दशक से अधिक पुरानी है। बिल्डिंग जो है वो है टील पर बनी हुई है और बिल्डिंग के पिछले हिस्से पर लगभग 50 फीट नीचे घनी आबादी है। रविवार शाम को कर्मचारियों ने बिल्डिंग में कई जगह दरार देखी तो होश उड़ गए। मामले की जानकारी जिला के अधिकारियों को दी गई है। अपर जिला सुभाष चंद्र प्रजापति, एसडीएम रजनीकांत और तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे मौके पर आ गए। नगर पालिका के कर्मचारियों को बुला करके एवं तहसील के कर्मचारियों को लगा करके बिल्डिंग के विभिन्न कमरों में रखे अभिलेखों को निकलवाना शुरू किया गया। अभिलेखों की मात्रा अधिक होने की वजह से कई घंटों बाद भी काम जारी है। देर रात 12 बजे के बाद तक काम जारी रहने के आसार बने हुए हैं। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। आवाज कहां पर है आपका? रकावगंज खोद खोद में, तहसील के नीचे। तहसील के नीचे जो तहसील की बिल्डिंग बनी है इसमें दरारें आ गई हैं। पता नहीं उठ गया, बताया मैंने। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई नाम सेंड कराया गया, कहा गया कुछ आप लोगों से? खाली करो, गिरेगी मलबा, जगह खाली करो, निकला बैठे बच्चा कुछ दब दब जाए। किसी कोई जनहान हो सकती है? हाँ, जनहान हो सकती है। इश्तियाक जी, तहसील प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या कहा गया है? खाली करने बोला है। क्या बताया है? बोला कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आप लोग जिम्मेदारी होगी अगर खाली ना करने। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत ये हुई है कि मिट्टी खस रही है तहसील वाली बिल्डिंग जी टीले पर। कितनी बिल्डिंग में कुछ दरार भी आ गई दीवारों में। अच्छा, कितनी ऊंचाई हो पर बनी है ये बिल्डिंग? अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ऊंचाई पे। एक अंदाज़ा आप लोगों की तरफ? कम से कम मेरे ख्याल से जो है 40-45-50 फीट के करीब। पहले भी मिट्टी वगैरह खसी थी यहाँ? पहले खसी थी, मतलब कोई खास नहीं खसी थी। अच्छा, और सबसे ज़्यादा जो मिट्टी खसी है वो उस साइड पे खसी है। अच्छा अच्छा तो मगर पे आई है तब जो है ऊपर से भगदड़ मची। हाँ, क्योंकि इधर ही आप ही की तरफ जो बिल्डिंग है वो चट गई है। नहीं, वो सी लास्ट वाली। हाँ, अच्छा ठीक।